हेलो फ्रेंड्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी की इस मुख्य परीक्षा की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, और उसमें मैंने आपके साथ जो है 3 नंबर में जो प्रश्न बन सकते हैं उनसे उनके संबंध में चर्चा करी है, और आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से नोट्स के साथ आपकी तैयारी में हम लोगों ने जो है कोशिशें की हुई हैं। हमारी टीम इस कोशिश में लगी है कि आप लोगों को क्रिस्प और कंसाइज नोट्स के साथ हम लोग तैयारी कराएं, जिससे कि आप लोगों को जो आयोग के द्वारा मात्र ये 3 महीने का जो समय मिला है इस बार तैयारी करने के लिए, आप लोग उसमें अपनी तैयारी को एक अच्छा रूप प्रदान कर सकें और इसी बार आप लोग सिलेक्शन ले सकें। हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता का जो हमारा कुछ भाग बचा था, जिसमें हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना इत्यादि पढ़ना बाकी है, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता का पतन भी डिस्कस करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और 2019 के सिलेबस में भी कुछ इसी तरह से सिलेबस दिया हुआ था कि आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संरचना इन सभी की पढ़ना है। 2020 के भी सिलेबस में इसी तरह की उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं आयोग ने। तो आपने भाग एक देख लिया हड़प्पा सभ्यता का, आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना को समझना होगा। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो उत्खनन कार्य हुआ था उसमें हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव रहा, और जो लिटरेरी सोर्सेस थे, जो साहित्यिक स्रोत थे, वो हमें प्राप्त नहीं हुए। इतिहासकारों के बीच में भी मतभेद रहे, विभिन्न इतिहासकार उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए हैं कि ये सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई इस तरह के साक्ष्य नहीं है जिससे कि हम ये बात कह सकें कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता में जो है राजतंत्रीय व्यवस्था थी, या धर्मतंत्र था, या प्रजातंत्री व्यवस्था थी। इस तरह से हम कोई भी एक बात नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। इतिहासकारों में भी इस पर मतभेद रहे हैं। अब आपको प्रश्न आता है तो आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप लोगों को क्या उसमें अटेम्प्ट करके आना है, पहले मैं इन चीज़ों पर डिस्कशन करता हूँ। तो अगर हम विश्व की बात करें, उस समय के सामाजिक संगठनों की बात करें, तो हमें मुख्यतः जो है 3 प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली। राजतंत्री व्यवस्था, दूसरी धर्मतंत्री व्यवस्था, और तीसरी प्रजातंत्री व्यवस्था। अब सैंधव सभ्यता में भी वहाँ का जो राजनीतिक जीवन था उनमें भी इन्हीं में से किसी एक प्रणाली का प्रयोग किया गया होगा, ये बात भी हमें समझ में आ रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है, तो इसीलिए इतिहासकार भी जो है कोई एक मत नहीं दे पाए कि वहाँ राजतंत्री व्यवस्था थी या प्रजातंत्री व्यवस्था थी। इस तरह की किसी भी इतिहासकार के द्वारा कोई बात नहीं की गई, ये सिर्फ अनुमान लगाए गए हैं जो वहाँ की जो स्थितियाँ थीं, जो हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उस पर से इतिहासकारों के द्वारा या जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा उस पर अनुमान लगाए गए हैं। अब इसी संदर्भ में यदि हम बात करें किस इतिहासकार ने क्या बोला, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले बीबी लाल साहब की। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीबी लाल की। अब बीबी लाल का कहना है कि सैंधव काल में भी, सिंधु सभ्यता में भी कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे, और इन राज्यों का भी अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। जिस प्रकार के हम लोगों ने महाजनपदों में देखा, जो 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं 6ठी शताब्दी में, जो 16 महाजनपदें रही हैं, जैसा कि हमने वहाँ देखा था कि छोटे बड़े राज्य रहे थे और प्रत्येक राज्य का एक अलग मुख्यालय भी रहा था। तो इसी प्रकार से बीबी लाल ने कहा है, उनका अनुमान है कि सैंधव काल में कई छोटे बड़े राज्य रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा, जैसा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की स्थिति में हमें दिखाई देता है। इसी तरह से हमें एक और इतिहासकार के बारे में
बात करनी होगी, जिनका नाम डॉक्टर A.L. बाशम है। अब उनका कहना है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो वहाँ की भांति ही हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी। आप कह सकते हैं उनका कहना था कि अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भी धर्म तंत्र था। तो यहाँ हमने A.L. बाशम का हवाला दिया है, उन्होंने लिखा है कि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति हड़प्पा की सभ्यता एक धर्म राज्य पर आधारित थी। अब A.L. बाशम के अलावा कुछ और विद्वानों का यह कहना रहा है कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग का शासन रहा होगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में कोई निश्चित धारणा हमें नहीं मिली है। तो फिर कई सारे विद्वानों ने ये कहा है कि भाई यहाँ व्यापारी वर्ग ही शासन करता रहा होगा, क्योंकि व्यापार व्यवसाय से संबंधित हमें कई सारे साक्ष्य मिले है ना। और उन साक्ष्यों में जैसे हमने देखा कि ये लोग टिन का आयात करते थे या तांबे वगैरह हो गया, ये सब हम लोग प्रिलिम से पढ़ चुके हैं। तो आयात निर्यात काफ़ी ज़्यादा होता था, व्यापार व्यवसाय से संबंधित हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। तो कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि यहाँ जो है व्यापारी वर्ग शासन करता रहा होगा। अब एक और विद्वान की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ मैके की। मैके का कहना था कि यहाँ पर प्रतिनिधि शासन रहा होगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रही होगी। और एक और विद्वान थे पिगाट, उनका कहना था कि यहाँ पर पुरोहितों के द्वारा शासन चलाया जाता रहा होगा, यानी पुरोहितों के हाथों में जो है शासन की बागडोर रही होगी। लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से किसी भी तरह के मंदिर के कोई साक्ष्य एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं। तो फिर ये जो पिगाट का कहना था उस मत को हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मैके का हवाला दिया है, मैके का कहना है कि हड़प्पा में प्रतिनिधि शासन था, जबकि पिगाट का कहना था कि यहाँ का शासन पुरोहित राजा के हाथों में था, परंतु सिंधु सभ्यता से किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, अतः पिगाट का मत स्वीकार नहीं है हमें। अब अधिकांश लोगों ने ये मान लिया था, अधिकांश विद्वानों ने ये मान लिया था कि यहाँ सिंधु सभ्यता में राजतंत्रीय व्यवस्था तो नहीं थी। सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि बहुत जो नगर योजना थी बहुत व्यवस्थित थी, यानी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। अच्छा, जो लिपि थी वो एक जैसी मिली हमें, बाट माप वगैरह जो है इनमें भी समानता मिली हमें। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजनीतिक सत्ता जो है अस्तित्व में थी। ये बात तो हमें क्लियर होती कि एक राजनीतिक सत्ता रही होगी। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में हमें समानता मिली, लिपि में हमें समानता मिली, जो बाट माप वगैरह होते थे, वेट्स एंड मेजर्स होते हैं, उनमें हमें एक रूपता मिली। तो इससे ये तो समझ में आता है कि कोई सत्ता रही होगी, लेकिन ये सत्ता जो है वणिक वर्ग के हाथों में रही होगी, ये बात भी हमें इससे कहीं ना कहीं क्लियर होती है। क्योंकि अगर शासक वर्ग होता तो वो युद्ध पर ज़्यादा ध्यान देता बजाय कि वाणिज्यिक क्रियाकलाप पे ध्यान देता। तो शासक वर्ग नहीं था, इसलिए युद्ध की अपेक्षा जो है वाणिज्यिक क्रियाकलापों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। सिंधु सभ्यता में जिस तरह सुनियोजित नगर योजना, एक रूप लिपि, बाट मापों की एक रूपता मौजूद है, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक राजनीतिक सत्ता अस्तित्व में थी, और यह सत्ता वणिक वर्ग के हाथों में रही होगी, क्योंकि शासक वर्ग युद्ध की अपेक्षा वाणिज्यिक क्रियाकलापों से अधिक जुड़ा हुआ प्रतीक होता है। अब अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की और अन्य नगरों की नगर व्यवस्था की बात करें तो ये सिद्ध होता है कि यहाँ श्रेष्ठ नगर पालिका का शासन व्यवस्था रही होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो वहाँ से जो खुदाई होती है, उत्खनन कार्य होता है, वहाँ से हमें ये पता पड़ता है कि वहाँ जो सड़कें थीं वो समकोण पर काटती थीं, साफ सुथरी व्यवस्था थी, नालियाँ जो थीं वो उनमें ढक्कन लगे थे, ड्रेनेज व्यवस्था थी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया वहाँ कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था जरूर रही होगी जो
सिविल एमिनिटीज से संबंधित कार्य करती रही होगी, तो नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था रही होगी। तो ये थी सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं और सिंधु सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ हमें एक पॉइंट पर डिस्कशन करना होगा, सामाजिक वर्ग कैसा था, रहन सहन कैसा था, मनोरंजन वगैरह क्या था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, दासों की स्थिति के बारे में देखेंगे और अंत्योष्टि पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अब जो समाज था, जो सैंधव समाज था, वह कई वर्गों में विभाजित था और उसमें हमें मुख्यतः चार श्रेणियां देखने को मिली थी। ठीक है ना, हम लोग अब सामाजिक जीवन डिस्कस कर रहे हैं और जो सैंधव समाज था वो कई वर्गों में विभाजित था और हमें उसमें मुख्यतः चार श्रेणियां देखने को मिली थी। प्रथम श्रेणी में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जिसमें कि पुरोहित, ज्योतिषी, चिकित्सक वगैरह आते थे, उनको प्रथम वर्ग में रखा गया। द्वितीय वर्ग में योद्धा वर्ग हो गया, जो आप कह सकते सैनिक होते थे या जिनको युद्ध वगैरह में शामिल किया जाता था। तृतीय वर्ग में उसमें व्यापारी वर्ग आ गया, उसमें जो शिल्पियों का जो काम करते थे, शिल्प वगैरह का, कलाकार वगैरह हो गए। और चतुर्थ वर्ग में जो कर्मचारी वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, किसान मजदूर वगैरह, मछली पकड़ने वाले आ गए, इनको रखा गया था। अब इनसे हमें किसी भी तरह की कोई जातीय व्यवस्था के बारे में बात नहीं पता पड़ती कि कोई जातीय व्यवस्था का निर्माण किया गया उस समय। हाँ, ये जो वर्गीकरण था ये आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक आधार पर किया गया होगा। समाज के जो वर्गीकरण का मुख्य आधार रहा था वह विभिन्न आर्थिक व्यवसाय पर आधारित रहा था। तो यहाँ हमने देखा कि समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, चार था। प्रथम में बुद्धिजीवी वर्ग था, पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी वगैरह। दूसरे में योद्धा, सैनिक वर्ग। तृतीय में व्यापारी, इसमें शिल्पी, कलाकार वगैरह। चतुर्थ में श्रमिक वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, गृह सेवक वगैरह। तो इनसे हमें किसी जाति व्यवस्था का निर्माण हो ये हमें प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ जो वर्गीकरण था समाज का, उसका मुख्य आधार आर्थिक व्यवसाय था, ये हमें बात समझ में आई। चलिए, अब हम बात करते हैं कि उनका रहन सहन क्या था। तो जो स्त्री पुरुष थे उनकी वेशभूषा जो थी, कपड़े वगैरह जो पहनते थे, वो लगभग एक जैसी थी। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो कमर से नीचे ये स्त्री पुरुष जो थे वो धोती पहनते थे और एक शॉल का प्रयोग किया जाता था, जिसको कि वो बाएं कंधे से लेकर के दाएं कंधे के नीचे रखते थे और उसको दबा करके पहना करते थे। ये उनके प्रमुख वस्त्र थे, मतलब धोती और शॉल। हाँ, स्त्रियां जो थीं सर पर एक पंखे के समान जो है कोई एक अन्य वस्त्र का भी प्रयोग करती थीं और वस्त्रों में ऊनी और सूती दोनों प्रकार के हुआ करते थे। तो हमने क्या देखा, स्त्री और पुरुषों की वेशभूषा प्रायः समान थी। कमर से नीचे धोती और कमर से ऊपर बाएं कंधे से दाएं कंधे के नीचे दबने वाला शॉल उनके क्या थे, मुख्य वस्त्र थे। स्त्रियां सिर पर पंखे के समान एक अन्य वस्त्र का भी प्रयोग करती थीं। वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कौन कौन से, ऊनी और सूती। ठीक है ना, तो ये तो हमने देखा कि मुख्य वस्त्र क्या थे। अब हम वस्त्रों की बात कर रहे हैं, अब ये सिले हुए होते थे या नहीं ये हमें कोई बात स्पष्ट नहीं हुई। मतलब स्टिचिंग वर्क होता था कि नहीं, टेलर होता था कि नहीं, ये बात हमें क्लियर नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो खुदाई हुई है उससे हमें सुइयां जरूर प्राप्त हुई हैं। तो इससे ये हमें पता चलता है कि सैंधववासी थे वो सिलाई का काम करना जानते रहे होंगे। अब और अगर हम देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों ही लंबे बाल रखा करते थे और ये लोग बालों में है ना पिन लगाया करते थे और ये पिन जो है सोने, चांदी और तांबे के हुआ करते थे। ऐसा भी समझ में आया हमको कि स्त्रियां जो हैं वो चोटी भी बांधा करती रही होंगी। अब ये तो हो गया वेशभूषा, वस्त्र वगैरह। अब सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित हमको कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं उत्खनन में। उसमें देखा होगा आप लोगों ने, प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, हमें कहीं से लिपस्टिक मिली है तो कहीं से काजल मिला है, तो कहीं से हमें उस्तरा मिला है, तो कहीं से हमें वैनिटी बॉक्स मिला है ना। तो इससे ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सौंदर्य प्रसाधनों से सैंधववासी जो है अवगत थे,
जानते थे, है ना। अब उस तरह मिला तो डेफिनेट सी बात है कि पुरुष जो है उस तरह का प्रयोग करते रहे होंगे, स्त्रियाँ जो हैं सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करती थी, उनमें काजल, लिपस्टिक, पाउडर वगैरह, श्रृंगारदान यानी वैनिटी वॉक्स, है ना, इस तरह की चीज़ों का ये लोग प्रयोग करते थे और जानते भी थे। तो ये तो था सौंदर्य प्रसाधन। अब आभूषणों की बात करें तो आभूषणों में कीमती पत्थर, है ना, आपके जवाहरातों में सोना चांदी तांबा हाथी दांत के बनाए हुए आभूषणों का प्रयोग किया जाता था, कीमती पत्थरों जवाहरों का प्रयोग किया जाता था। पुरुष जो हैं, अब देखिए पुरुष क्या पहनते थे, तो कंठहार मतलब गले में एक हार, भुजबंद, ठीक है, अंगूठी का प्रयोग करते थे, जबकि स्त्रियां जो होती थीं वो माथे में एक टीका लगाया करती थीं, है ना, और बुंदे पहनना, कड़े चूड़ियां पहनना, तगड़ी यानी कमरबंद पहनना, पायजेब, पायल, है ना, पाँव में पायल पहनते, पायजेब आदि सभी प्रकार के आभूषणों का ये लोग प्रयोग करती थीं। परंतु एक बात याद रखिएगा, नाक में पहनने के लिए किसी तरह के जेवर के हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसको हम लोग नथनी कहते हैं, नाक में नथनी पहनी जाती, उस तरह के कोई हमें साक्ष्य एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो ये तो हो गया उनके रहन सहन के बारे में, उनकी वेशभूषा क्या थी, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह का इस्तेमाल क्या करते थे, किस प्रकार से किस प्रकार के आभूषणों का प्रयोग होता था वगैरह वगैरह। अब उनके खान पान में, तो ये जो सैंधव निवासी थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। अब इसमें मुख्य क्या था, तो गेहूँ, जौ, चावल, तिल, दाल, दूध, फल और मछली का मांस मुख्य इनका भोजन था। मनोरंजन की बात यदि मैं करूं तो मनोरंजन में गेंद और चौपड़ का खेल प्रमुख था, शिकार भी किया करते थे, है ना, उसमें मछली पकड़ना, सांडों का युद्ध होना, है ना, जो पालतू पशु पक्षी थे उनके युद्ध भी ये लोग करवाया करते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने भी बनाए जाते थे, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, और ये ज़्यादातर किसके होते थे, मिट्टी के होते थे। एक ऐसा खिलौना मिला है जिसमें, जो कि दो पहियों वाली गाड़ियों का है, गाड़ी का है, और जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे खिलौने बनाने की कला में भी दक्ष हुआ करते थे। तो ये तो हो गया मनोरंजन, तो खेल में उसमें गेंद और चौपड़ होता था, शिकार भी होता था मनोरंजन में, जिसमें के मछली पकड़ना, सांडों का युद्ध कराना वगैरह वगैरह, है ना। बच्चों के मनोरंजन में खिलौने हुआ करते थे जो मिट्टी के थे ज़्यादातर, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, ये था सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना के बारे में हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सैंधव काल में कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, फिर पशुपालन, शिल्प एवं व्यवसाय, व्यापार, उसमें आंतरिक बाह्य व्यापार, उसमें भी आयात निर्यात, विनिमय का साधन, माप तौल प्रणाली और मुद्रा के बारे में। ये चार्ट मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया, ये चार्ट आपको वहाँ बनाना होगा, आपको आर्थिक संरचना लिखने से पहले ये चार्ट आपको बनाना है, जिससे कि एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि आप उस संबंधित प्रश्न में इन सभी सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसी तरह से आपको जो राजनीतिक संरचना वाला चार्ट है उसको लिखने के पहले बना करके आना है। चलिए, अब सबसे पहले हमें, जैसे हमने देखा वहाँ कृषि से संबंधित बातें हमें लिखना होंगी। अब जो सैंधव निवासी थे इनका जो आर्थिक जीवन था वो किन चीज़ों पर आधारित था, तो वो कृषि पर आधारित था, पशुपालन पर आधारित था, और कई प्रकार के वो लोग उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य वगैरह भी किया करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की, तो ये उनका मुख्य पेशा था, कृषि उनका मुख्य पेशा हुआ करता था, और मुख्य रूप से गेहूं, जौ, बाजरा की खेती होती थी। आपको याद रखना होगा, कृषि उनका मुख्य पेशा था और गेहूं, जौ, बाजरा की खेती मुख्यतः होती थी। अच्छा, प्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि धान के साक्ष्य भी हमको कुछ जगहों से मिले हैं, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि धान की खेती भी हुआ करती थी, और वो साक्ष्य हमें मिले हैं लोथल और रंगपुर से। अब जो कृषि था, अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में जो उत्पादन होता था, है ना, तो वहाँ उस समय भी एग्रीकल्चरल सरप्लस की स्थिति हुआ करती थी। देखिए, हमने हमारे इस्तेमाल से अगर ज़्यादा हमें गेहूँ हमने उत्पन्न कर लिया, पैदा कर लिया, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सरप्लस में हो गया,
अब जब ज़्यादा गेहूं हो जाएगा तो हमें उसको भंडार भी करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उनके स्टोरेज के लिए अन्नागार्स बनाए गए, जो कि हमें उनके एविडेंसेस मिले हैं। छः छः की दो पंक्तियों में हमें हड़प्पा से इस तरह की ग्रीनरीज मिली हैं, अन्नागार मिले हैं। तो कृषि में उत्पादन अधिशेष की स्थिति थी, अन्नागार इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं, ठीक है ना। तो ये कृषि में अधिशेष की स्थिति थी, और इसी अधिशेष से क्या था, शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिला, ठीक है। चलिए, ये था कृषि के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। हड़प्पा सैंधव समाज में पशुपालन के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख के आना ही होगा। अब जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वहाँ से, है ना, तो उससे हमें ये पता चलता है कि सैंधव समाज के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे, और पशुपालन भी उस समय पर्याप्त जो है विकसित हो गया था, ठीक है ना। तो आपको क्या लिख के आना है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी पर्याप्त विकसित अवस्था में था। अब इन पशुओं से ये लोग क्या प्राप्त करते थे, तो उनसे दूध, मांस, ऊन, है ना, इस प्रकार के ये लोग प्रोडक्ट्स प्राप्त किया करते थे, और उन पशुओं का प्रयोग ये लोग परिवहन के साधनों के रूप में भी किया करते थे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिख के आना है पशुपालन के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृषि के साथ पशुपालन भी पर्याप्त विकसित था। पशुओं से दूध, मांस, ऊन आदि तो मिलते ही थे, साथ ही उनका उपयोग वह परिवहन के साधनों के रूप में भी होता था। चलिए, ये हमने देख लिया अभी कृषि और पशुपालन के बारे में, आर्थिक संरचना में। अब हम देखेंगे शिल्प एवं व्यवसाय के बारे में। तो जैसा कि हमने चार्ट में देखा था, चार्ट में हमने लिखा था कृषि, फिर दूसरा हमने बॉक्स में लिखा था पशुपालन, तीसरा हमने शिल्प और व्यवसाय के बारे में लिखा था। तो ये जो शिल्प और व्यवसाय का जो कार्य था, ये आप कह सकते हैं कि नागरिक अर्थव्यवस्था जो थी सैंधव समाज की, उनका ये मुख्य आधार था। अब यहाँ जो व्यापार होता था, जो व्यवसाय होता था, उनमें कपड़े बनाना यानी वस्त्र बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के खिलौने वगैरह भी बनाए जाते थे, ईंट निर्माण, है ना, हमें बेक्ड ब्रिक्स के एविडेंसेस मिले हैं, है ना, मनके बनाना, है ना, भवन बनाना वगैरह, ये सब कुछ इसमें शामिल था। तो नागरिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था व्यवसायों में वस्त्र बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ईंट निर्माण, मनके बनाना, भवन निर्माण आदि, ये सब कुछ शामिल था। अब अगर हम धातु की बात करें, तो धातु से बनी हुई चीज़ें, मतलब आप कह सकते हैं कि इस समय के जो लोग थे, जो सैंधव निवासी थे, वो धातु से कई तरह की चीज़ें बनाने में भी दक्ष हो चुके थे। अगर हम बात करें धातुओं की, तो तांबा, सोना, चांदी, इन सब से जो है सैंधववासी काफ़ी अच्छे से परिचित थे। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति हमें मिली है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि ये लोग इन धातुओं से अच्छे से परिचित थे, और इनसे ये लोग चीज़ें भी बनाने लग गए थे। तो धातु क्रम में सिंधु निवासी दक्ष हो गए थे, तांबा, सोने, चांदी आदि धातुओं से वे परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति इस बात का प्रमाण है हमारे पास। अब हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। तो इस समय सैंधव काल में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार हमें देखने को मिला, ठीक है ना। अब इस समय के लोग उद्योग धंधों में तो शामिल हो ही चुके थे, है ना। कारीगर जो हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं से, उनको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी, तो उन्हें कच्चा माल मिलता था, और उससे जो वो लोग वस्तुएं तैयार करते थे, उन्हें बाजार में पहुंचाने की व्यवस्था भी थी, और इसके लिए व्यापार का विकास भी हुआ, है ना। तो हमने क्या देखा अभी कि व्यापार के उस समय दो पक्ष थे, आंतरिक और बाह्य व्यापार। वस्तुतः उद्योग धंधों में लगे कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए तथा उनके द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने के लिए व्यापार का विकास हुआ, है ना। हमें कच्चा माल मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलता है, हम उसका कुछ ना कुछ उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करके उसको मार्केट में पहुँचाना होता है। तो यह सिस्टम उस समय डेवलप था। अब हम बात करें आंतरिक व्यापार की। तो जो सैंधव व्यापारी हुआ करते थे, तो नीलगिरी एवं मैसूर के क्षेत्रों से सोना और रत्न प्राप्त करते थे वो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा,
नीलगिरी एवं मैसूर के क्षेत्रों से वो लोग सोना और रत्न प्राप्त करते थे, तो तांबा राजस्थान से मंगाते थे, विभिन्न प्रकार के मर्दमान खिलौने आदि स्थानीय व्यापार की प्रमुख वस्तुएं हुआ करते थे। दो बातें आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी आप मन से लिख सकते हैं। नीलगिरी और मैसूर के क्षेत्रों से सोना और रत्न बुलाते थे और तांबा जो है वो लोग राजस्थान से मंगाया करते थे। अब अगर मैं बाह्य व्यापार की बात करूं, तो सैंधव व्यापारी क्योंकि समझ समृद्ध थे, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा कारण था कि विदेशों से ये लोग व्यापार करने लग गए थे। और हमें इस तरह के एविडेंसेस पुरातात्विक स्रोत मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि सैंधव व्यापारी की समृद्धता का सबसे बड़ा कारण विदेशी व्यापार था, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे आयात और निर्यात की। अब यहाँ हम कुछ वस्तुएं आपको याद रखना होंगी, जैसे लाजवर्द और गोमेद, ये अफगानिस्तान के बदख्शां से ये लोग आयात करते थे। सेल खड़ी जो है बलूचिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग आयात किया करते थे। तो मैंने आपको लिखा है कि ये धातु और वस्तुओं का आयात कहाँ से होता था, तो लाजवर्द, गोमेद अफगानिस्तान के बदख्शां से, सेल खड़ी बलूचिस्तान से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से बुलाते थे। अब जो सिंधु व्यापारी थे, ये सूती वस्त्र विलासिता की सामग्रियों का निर्यात किया करते थे, यानी जो हमारे यहाँ से ये लोग जो सूती वस्त्र बनाते थे या उनसे संबंधित जो भी सामग्री बनाते थे उसको ये लोग एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, बाहर भेज दिया करते थे। अब एक्सचेंज का क्या साधन था, विनिमय का क्या साधन था, मैंने आपसे कुछ खरीदा तो मैं आपको क्या देता हूँ, तो क्या कोई क्वाइंस हुआ करते थे, रुपए नोट वगैरह हुआ करते थे क्या, है ना। तो उत्खनन जो भी हुआ उससे हमें किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा नहीं प्राप्त हुई, कोई सांकेतिक मुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हम ये कह सकते हैं या हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जो सैंधव में जो व्यापार हुआ करता था, सिंधु सभ्यता में जो व्यापार हुआ करता था, वह विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित रहा होगा। चलिए तो ये हम लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना खत्म कर ली है, है ना। अब हम नगर निर्माण योजना के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित भी एक प्रश्न आ सकता है और ये प्रश्न पूछा भी गया पहले भी। अब बात कर रहे हैं हम लोग नगर निर्माण योजना की, टाउन प्लानिंग की। तो इसमें जो भी विशेष बातें हमको पुरातात्विक साक्ष्यों से पता पड़ती हैं वही हमें भी लिख करके आना है। अब मुद्दा ये है कि किस क्रम में हमें इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। और दूसरा कि हमारे पास शब्दावली की बड़ी कमी है, अधिकतम 200 शब्द हैं हमारे पास, 50 शब्द में भी ये प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने को आ सकता है। तो किस तरह से और किस क्रम में हमें चीज़ों को लिख करके आना है वह मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, आपको पढ़ना है, समझना और याद करके लिख करके आना, आपका पूरा पूरा समय इसमें बच जाएगा। चलिए, एक तो बात है कि इसका जो आकार था वह वर्गाकार हमें देखने को मिला। दूसरा, अधिकांश जो विकसित नगर हमें देखने को मिले हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह, ये दो खंडों में विभाजित थे, ठीक है ना। दो खंड कैसे थे, एक गढ़ी था या आप उसको कह सकते हैं राजप्रसाद क्षेत्र, और दूसरा जो है निचला भाग हुआ करता था, निचला शहर था, यानी एक ऊपर टीले के समान देखने को मिला एक हिस्सा, दूसरा नीचे हमें को जो आसपास की बसाहट थी जिसको निचला भाग कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जो गढ़ी वाला क्षेत्र था यानी जो ऊपर जो बसाहट थी वहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे ऐसा अनुमान लगाया गया। उसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी, दीवार से वह घिरा रहता था और इसका जो आकार था वह आयताकार हुआ करता था, ठीक है ना। अब जो पश्चिमी दुर्ग उच्च क्षेत्र था, ठीक है, पश्चिमी जो भाग था वो दुर्ग का उच्च क्षेत्र था और जो पूर्वी जो भाग हुआ करता था नगर का वह निचला क्षेत्र हुआ करता था। तो जो निचला क्षेत्र था वहाँ पर सामान्य लोग, आम लोग रहा करते थे, आम जनसंख्या निवास करा करती थी और इसका जो आकार होता था वह वर्गाकार हुआ करता था। इसमें छोटे छोटे मकान बने हुए मिले हैं हमें, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी मकान हमें मिले हैं उन सभी मकानों के बीच में एक हमें आंगन मिला है और उसके चारों तरफ क्या होते थे, कमरे हुआ करते थे। मकान में कुआं भी मिला हमको, एक किचन रसोई घर मिला है
और एक शौचालय की व्यवस्था भी हमें देखने को मिली है, ठीक है ना। ऐसा हमें लगभग प्रत्येक मकान में देखने को मिला है, आंगन कुआं चारों तरफ कमरों का होना, किचन का होना और एक शौचालय की व्यवस्था होना। अच्छा, साधारणतः जो मकान मिले हैं वो एक मंजिला मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमें दो मंजिले वाले मकान भी मिले हैं और उनकी छत जो है वह लकड़ी की हुआ करती थी, उनमें सरकंडों का प्रयोग, गीली लकड़ी का, मिट्टी का प्रयोग, ईंटों का भी प्रयोग देखने को मिला है, ठीक है ना। तो लेकिन जो मकान में जो अंदर जाने का जो रास्ता हुआ करता था, प्रवेश का जो द्वार हुआ करता था, वह सीधे सड़क की तरफ नहीं होता था, पीछे गली में से मकान के दरवाज़ों बनाए गए, आपको मकान के अंदर जाना है तो पीछे गली की तरफ से आपको जाना होता था। अब ऐसा इसीलिए किया गया रहा होगा, ऐसा हम लोगों ने माना है कि वहाँ जो साफ़ सफाई होती थी उस पर उस समय विशेष ध्यान दिया गया, इसीलिए हमने कहा कोई ना कोई नगर प्रशासनिक व्यवस्था, नगर पालिका जैसी व्यवस्थाएँ भी रही होंगी। तो अगर बाथरूम को हम बिल्कुल मकान के पीछे के भाग में बनाएंगे तो वहाँ से लेकर के आगे नाली तक पानी लाने में बड़ी समस्या होगी। तो हम मकान का प्रवेश द्वार पीछे गली की तरफ बना दें और जो बाथरूम है बिल्कुल मुख्य सड़क की तरफ बना दें उसको, तो वहीं के वहीं जो है नाली से पानी वहाँ तुरंत सड़क की जो नाली है मुख्य नाली उसमें मिल जाएगा, तो इससे पानी निकासी, जल निकासी में समस्या नहीं जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था हमें वहाँ पर मकानों में देखने को मिली है ना। अब जितने भी हमें भवन मिले हैं वहाँ जो सामग्रियों का प्रयोग हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सामग्री जो है वह ईंट देखने को मिली। ईंट या तो कच्ची ईंटें मिली हैं या पकी हुई ईंटें मिली हैं, हमें दोनों ही प्रकार की ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो सामग्री देखने को मिली है वह ईंट मिली है हमें, ठीक है ना। अब यहाँ जितने भी नगर मिले हमें उनको बड़े ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, योजना बनाई गई, आप कह सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से उनका निर्माण किया गया। जो सड़कें हुआ करती थीं वो समकोणीय होती थीं, यानी राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं, अर्थात जो सड़कें थीं वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक दूसरे के बीच में, बीच से सीधा सीधा काटते हुए निकला करती थी, है ना। तो हमने क्या देखा कि हड़प्पाकालीन नगर काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था, इसलिए सड़कें भी समकोणीय होती थी, अर्थात सड़कें पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक दूसरे के बीच से सीधा सीधा काटती हुई निकलती थी। सड़कें तीन प्रकार की देखने को मिली, चौड़ी, मध्यम और चौड़ी एवं संकीर्ण गलियां हमको देखने को मिली वहां पर। अब जैसा कि हमने देखा कि जो हड़प्पा में जो भी नगर थे वहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, और बनवाली में हमने देखा था कि उसका पूर्णतः अभाव था। तो यहाँ जो नालियाँ थीं उनको भी बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था, काफ़ी योजना बनाई जाती थी, और उस समय समकालीन विश्व की जो भी अन्य सभ्यताएँ देखें तो वहाँ पर हमें इस प्रकार की कोई विशेषता देखने को नहीं मिलती है। नालियों का निर्माण जो है वो सड़कों के किनारे किया गया था, जिससे कि जो भी गंदा पानी मकान का निकले वो पतली नालियों से होकर के और जो प्रमुख नालियाँ, जो मेन जो ड्रेन्स हुआ करते थे उनमें जा कर के वो मिल जाएं। ये नालियाँ भी ईंट की बनी हुआ करती थी, ईंट या पत्थरों की, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, सिल्लियाँ जिनको हम कहते हैं, उनसे ये ढकी भी रहा करती थी। ये जो हड़प्पाकालीन जो नगर निर्माण योजना थी ये न सिर्फ प्राचीन भारत बल्कि समकालीन विश्व के अन्य सभ्यताओं में अपना अद्वितीय स्थान रखती थी। उस समय की जो अन्य सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, तो उन सब में ये बड़ी ही अच्छी हुआ करती थी, श्रेष्ठ थी। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगर तो कम ही मिले हैं हमें, किंतु नगरों की उत्तम योजना एवं गुणवत्ता के कारण इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है, है ना। अगर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी साफ सफाई है, नालियाँ ढकी हुई हैं, है ना, मकान हैं, व्यवस्थित मकान हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे, नगरीय सभ्यता कहेंगे उसको, है ना। तो ये तो था वहाँ की नगरीय सभ्यता के बारे में। मैंने पूरी कोशिश करी है कि उस प्रश्न के उत्तर को मैं आपको एक बिल्कुल क्रमानुसार तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, और चीज़ें आसान हैं, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, कोई उसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है लिखने के लिए, लेकिन उसका क्रम और
शब्दों को जो है आपको कम से कम शब्दों में लिख करके आना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे हम। अब हम किसी भी धर्म की बात करें तो उसके हमें दो पहलू मिलते हैं, एक होता हमारा दार्शनिक पहलू, दूसरा होता व्यवहारिक या हम उसको कर्मकांडीय पहलू कह सकते हैं। तो जो पहला होता है जिसको हम लोग दार्शनिक कहते हैं, उसके बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है, तो हमें उसके बारे में ग्रंथों से जानकारी मिलती है। और जो दूसरा जो पहलू होता है व्यवहारिक है, जिसको हम लोग कर्मकांडीय कहते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उनसे मिलती है, भौतिक अवशेषों से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ हमारे साथ समस्या क्या रही कि यहाँ जो हड़प्पा में जो भी हमको नगर मिले, वहाँ जहाँ जहाँ भी खुदाई हुई है, वहाँ हमको जो भी लिपि मिली हम उसको पढ़ नहीं पाए, इसलिए वहाँ के धर्म के आध्यात्मिक पहलू के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी नहीं मिली। लेकिन वहाँ से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त थी उत्खनन में, जो भी हमें चीज़ें मिली, उससे हमें हड़प्पाई लोगों के धर्म के जो कर्मकांडीय जो पक्ष होता है उसके बारे में हम जान पाए हैं, ठीक है ना। तो इन साक्ष्यों के आधार पर जो भी हमें वहाँ से खुदाई में जो भी एविडेंसेस मिले हैं, है ना, हम आठ तत्वों के बारे में यहाँ बात कर सकते हैं। पहला जैसे हम बात करेंगे मातृ देवी पूजा की, है ना, तो जो हमें वहाँ से उत्खनन से मूर्तियाँ मिली हैं, है ना, तो हम बात करें नारी मूर्तियाँ बड़ी संख्या में हमें मिली हैं, तो इससे हम क्या आकलन कर सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, है ना। हड़प्पा से हमको एक मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, तो वो हमें क्या संकेत देता है कि मातृ देवी को उर्वरता के प्रतीक के रूप में माना करते थे वो लोग, उर्वरता की देवी माना करते थे, ऐसा हम उसमें समझ सकते हैं। दूसरा पशुपति शिव की पूजा की यदि हम बात करें, तो यहाँ हम मोहनजोदड़ो का नाम जरूर हमारे दिमाग में आता है जब भी हम पशुपति की बात करते हैं, तो यहाँ एक इस प्रकार की मूर्ति मिली है जो सिंधु सभ्यता में शिव पूजा को प्रमाणित करती थी, और शिव को नागधारी धनुर्धर के रूप में यहाँ चित्रित किया गया होगा। शिव के ये सारे रूप जो हैं ये आज भी प्रचलित है, है ना। चलिए तीसरी हम बात करेंगे वृक्ष पूजा की, राइट, तो वहाँ के जो निवासी थे वृक्षों में नीम और पीपल की वो लोग प्रमुखतया पूजा किया करते थे। अब नेक्स्ट हम लोग पशु और नाग पूजा की बात करेंगे, तो जो सिंधु सैंधववासी जो हुआ करते थे, है ना, वो पशु में किसकी पूजा करते थे, तो सर्पों की पूजा किया करते थे, है ना। अब उनकी जो पूजाएं होती थी किसी भय या देवताओं के वाहन को मानकर की जाती रही होंगी। अब पशु में कुबड़ दाड़ साढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख था, क्योंकि कई सारे चित्र जो हैं उसके मोहरों पर हमको मिले हैं, तो हमने ये मान लिया कि जो कुबड़ दाड़ साढ़ हुआ करता था, है ना, वह सबसे प्रमुख रहा होगा। अब मोहनजोदड़ो से एक और मुद्रा मिली है, है ना, तो उस मुद्रा पर देवता के दोनों ओर सर्प की आकृति बनी हुई है, तो इससे क्या हमको स्पष्ट होता है कि नाग पूजा उस समय हुआ करती होगी। इससे हमें क्या पुष्टि हो जाती है कि उस समय नाग की पूजा की जाती होगी। अब हम अगला जो बात करेंगे वो लिंग और योनि पूजा की बात करेंगे। लिंग और योनि के द्वारा सैंधव जन ईश्वर की सृजन शक्ति के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट किया करते थे, ये हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले उससे ये पता पड़ता है। जल पूजा की अब हम बात करते हैं, तो वहाँ जो है स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा दिया हुआ था, जैसे कि हमने वृहद स्नानागार में भी पढ़ा है कई जगह के जो भी धार्मिक उत्सव हुआ करते थे उसमें जो है वहाँ जा कर के स्नान करना जो है उसको सेक्रेड माना गया है, तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसी उद्देश्य से बनाया गया था। प्रतीक पूजा की यदि हम बात करें, श्रृंग स्तंभ एवं स्वास्तिक के चित्र जो मोहरों पर हमें मिले हैं किसी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते रहे होंगे। स्वास्तिक, आप लोगों ने स्वास्तिक का चिन्ह देखा है, हम लोग भी घरों में बना दिया करते हैं उसको। अग्नि पूजा है ना, लोथल और कालीबंगा की हम बात करेंगे, यहाँ से अग्निवेदियों के हमें साक्ष्य मिले हैं जो कि अग्नि पूजा को प्रमाणित करते हैं।
ये सब हम प्री में याद करते हैं, ये सारे साक्ष्य हम लोग याद किया करते हैं। ठीक, चलिए ये था सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। मैंने उसको भी क्रिस्प और कंसाइज करने की कोशिश करी जिससे कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकें। अब इस समय की जो लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, वह है भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस प्रकार से यहाँ लिखते थे, है ना। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। देखिए मैंने यहाँ पर ये इमेजेस लगाई हैं, इस तरह की चित्रात्मक लिपि थी, चित्र थे, और इसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। बाट माप की हम बात करते हैं तो तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में रही थी, जैसे 16, 64, 160, 320, 640 वगैरह। ये बाट कई हमें आकार मिले हैं, है ना, बेलनाकार, शंकु आकार वगैरह, घनाकार, इस तरह के हमें कई शेप में ये बाट भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक पैमाना भी मिला है। इसका प्रयोग संभवतः लंबाई मापने में किया जाता रहा होगा। तो मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ, सीप आप लोग जानते हैं, है ना, और हाथी दांत का बना हुआ एक एक पैमाना यानी स्केल मिला है, इसका प्रयोग ये लोग लंबाई मापने में किया करते रहे होंगे। मृदभांड, तो हड़प्पा से मृदभांड जो है मिले हैं, वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ इनसे मिलती हैं हमें। चलिए मोहरों के बारे में बात करते हैं तो हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ उसकी क्या थी, मोहरें ही थी। अब तक लगभग 2000 मोहरें हमको मिली हैं, अधिकांश मोहरें 500 मोहरें जो हैं वह मोहनजोदड़ो से हमें मिली थी। इन मोहरों पर जो है लघु लेख के साथ साथ एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ हमें देखने को मिली हैं, ठीक है ना। और इन मोहरों को बनाने में सबसे ज़्यादा सेल खड़ी का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब अगर हम लोथल और देसलपुर की बात करें तो तांबे की बनी मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, है ना, जो कि बेलनाकार, वर्गाकार, है ना, आयताकार, वृत्ताकार, इन सभी तरह की हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। अब देखिए जैसे कि उद्भव के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत आए हैं, तो इस सभ्यता का जो विघटन हुआ वो कैसे हुआ उसके बारे में भी बड़ी ही आप कह सकते मतभेद रहे हैं, क्योंकि हमें उसके संबंध में कोई बहुत सटीक एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो यहाँ विभिन्न इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है कि जो बाह्य या जो आर्यों के आक्रमण हुए उसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल और एस आर राव ने क्या कहा था कि बाढ़ आई और बाढ़ से जो है सभ्यता का पतन हो गया। स्टाइन, आर एल स्टाइन और ए एन घोष ने कहा कि जलवायु में परिवर्तन हुआ होगा जिससे कि इस सभ्यता का पतन हुआ। ए आर साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन बताया। जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को कारण बताया। के यू आर कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा को कारण बताया। अब आपको अगर मुख्य परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर अगर 50 शब्दों में लिखने को आता है तो आप इस तरह से एक चार्ट बना के आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आकस्मिक पतन का एक सिद्धांत आपको लिखना होता और एक क्रमिक पतन का सिद्धांत लिखना होता, ठीक है ना। आकस्मिक मतलब एकाएक किसी सभ्यता का पतन हो गया, क्रमिक मतलब धीरे 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 कई सारे वर्षों में उस सभ्यता का पतन होना। अब आकस्मिक पतन में यदि हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल, व्हीलर और स्टुअर पिगार्ट। इन तीन लोगों के द्वारा कहा गया है कि आर्य आक्रमणकारियों को उत्तरदायी इसमें माना जाएगा। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल, व्हीलर और स्टुअर पिगार्ट ने क्या कहा है कि आर्य आए, इन्होंने आक्रमण किया और इससे जो है सभ्यता का पतन हो गया। मार्शल, मैके और एस आर राव ने बाढ़ कारण बताया कि बाढ़ से सभ्यता का पतन हुआ। अब एम एस वत्स का कहना था कि नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ, वहाँ जो रावी नदी है उसके मार्ग में परिवर्तन हुआ जिसके कारण पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। क्रमिक में अगर हम देखें तो फेयर सर्विस ने क्या कहा था कि जब जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है, उनका त्रास होने लग जाता है, जिस कारण धीरे 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 कई वर्षों में सभ्यता का पतन हो गया।
अब जनसंख्या वृद्धि होती है तो प्रगतिशीलता आती है समाज में, और सिंधु सभ्यता में क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ था। इस कारण जो है जीवन में ठहराव की स्थिति आ गई थी, और धीरे 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 संसाधनों की कमी होती रही और सभ्यता का पतन होता रहा। तो ये था सभ्यता के पतन के बारे में। इस लेक्चर में दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक के साथ साथ और भी कई छोटी बड़ी चीज़ों को डिस्कस किया है। आपको इसको एक दो बार और देख लेना चाहिए लेक्चर को, और की पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए उनको याद करके लिख के ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपके साथ मिलूँगा जिसमें कि हम लोग वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। नमस्कार।